ज्ञानवापी परिसर विवाद की तरह कुतुब मीनार विवाद में भी अब एक नया मोड़ सामने आ गया है। दिल्ली के कुतुब मीनार विवाद में अब वक्फ बोर्ड की एंट्री हो गई है। दिल्ली वक्फ बोर्ड ने कुवतुल इस्लाम मस्जिद में नमाज रोकने का विरोध किया है। एएसआई ने कुछ दिनों से इस मस्जिद में नमाज रोक दी है और कहा है कि एएसआई के अंदर वाली जगहें केंद्र सरकार की तरफ से प्रोटेक्टेड एरिया है, यहाँ पूजा या इबादत की इजाजत नहीं है। वहाँ बिना मंजूरी लोग नमाज पढ़ते थे, इसलिए रोक लगा दी गई है। लेकिन अब वक्फ बोर्ड ने नमाज पर रोक लगाने का विरोध किया है। नमाज पर रोक के बीच पूरे विवाद पर दिल्ली के साकेत कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है। अब 9 जून को इस पर फैसला आएगा। कल बहस के दौरान हिंदू पक्ष ने पूजा का अधिकार मांगा और यह दावा किया कि वहां मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई, लेकिन एएसआई ने यह कहकर पूजा या नमाज का विरोध किया है कि एक प्रोटेक्टेड एरिया है, प्रोटेक्टेड साइट है, यहां का स्टेटस नहीं बदला जा सकता। देश में मंदिर, मस्जिद और ऐतिहासिक धरोहरों पर चल रहे विवाद के बीच केंद्र सरकार एक बड़ा फैसला ले सकती है। सरकार पुरातत्व विभाग के अंदर आने वाले 1000 से ज्यादा मंदिरों को पूजा अर्चना के लिए खोल सकती है। जो ऐतिहासिक महत्व के पुराने मंदिर एएसआई के अंडर में हैं, जिनमें पूजा अर्चना बंद है, उनमें भक्तों को प्रवेश की अनुमति, इजाजत मिल सकती है। घंटियां बजाई जा सकती हैं, रोज आरती फिर से शुरू हो सकती है। सरकार इस पर गंभीरता से विचार कर रही है। संसद के मॉनसून सेशन में सरकार इस कानून में संशोधन करेगी और 1958 के कानून में बदलाव के लिए बिल पेश करेगी। सरकार क्या फैसला ले सकती है, इसकी डिटेल भी आपको बता दें। ऐतिहासिक महत्व वाले एएसआई के अंदर आने वाले मंदिर खोलने पर सरकार विचार कर रही है। मौजूदा कानून के तहत एएसआई के अंदर आने वाले मंदिर में पूजा नहीं हो सकती। एएसआई एक्ट 1958 में बदलाव पर सरकार का विचार चल रहा है। इंडिया टीवी को मिली जानकारी के मुताबिक मॉनसून सेशन में सरकार इस कानून में संशोधन करेगी। 1958 के कानून में बदलाव के लिए बिल पेश किया जाएगा मॉनसून सेशन में। एएसआई एक्ट 1958 के मुताबिक ऐतिहासिक महत्व वाले मंदिरों में पूजा की मंजूरी नहीं है। प्राचीन स्मारकों को संरक्षित करने के लिए यह कानून बनाया गया था। देश भर में तकरीबन 1000 से ज्यादा प्राचीन मंदिर इसके दायरे में आते हैं। सरकार कानून बदलने का विचार क्यों कर रही है, उसकी वजह समझना भी बहुत जरूरी है। दरअसल सरकार को लगता है कि एक्ट का मकसद पूरा नहीं हुआ है। एएसआई के कंट्रोल वाले स्मारकों की दशा खराब है। पूजा पाठ ना होने की वजह से प्राचीन मंदिरों का रखरखाव सही तरीके से, सही ढंग से नहीं हो पा रहा है। प्राचीन मंदिरों को श्रद्धालुओं के लिए खोलने से फायदा होगा, मंदिरों की देखरेख होगी और धार्मिक पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा, आय में भी इजाफा होगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। अब बात मथुरा विवाद की भी कर लेते हैं। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि परिसर में मौजूद शाही ईदगाह पर आज अहम सुनवाई होने वाली है। लखनऊ से आए 7 लॉ स्टूडेंट्स ने मंदिर परिसर से मस्जिद हटाने की मांग को लेकर एक अर्जी डाल दी है, जिस पर आज कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। जिला जज राजीव भारती की कोर्ट में ये सुनवाई होगी। आपको बता दें कि श्री कृष्ण जन्मभूमि परिसर में ईदगाह के खिलाफ अब तक करीब 12 से ज्यादा याचिकाएं दाखिल की जा चुकी हैं और कोर्ट में सुनवाई भी इस मामले में चल रही है। ऐसे में लखनऊ से कानून की पढ़ाई करने वाली 7 छात्राओं की अर्जी पर आज सुनवाई होनी है। मथुरा के एक श्री कृष्ण जन्म स्थान और शाही ईदगाह के एक अगले मामले में आज सुनवाई होनी है। ये सुनवाई 13.37 एकड़ जमीन में फैले श्री कृष्ण जन्म स्थान से ईदगाह मस्जिद को हटाने को लेकर होगी। आज इस दावे को जिला जज की अदालत में पेश किया जाएगा। अदालत ने आज वादी पक्ष से साक्ष्य मांगे हैं। ये याचिका CPC की धारा 92 के तहत दाखिल है और इसे दाखिल करने वाले लखनऊ के 7 लॉ स्टूडेंट के अलावा दिल्ली लखनऊ हाई कोर्ट के 4 एडवोकेट भी हैं। मथुरा की अदालत में अब तक दर्जन भर दावे दाखिल किए गए हैं। दायर किए गए पिटीशन में श्री कृष्ण जन्मभूमि की 13.37 एकड़ भूमि को मुक्त कराने की मांग की गई है। ये दावे कटरा केशवदेव मंदिर के 13.37 एकड़ के परिसर के भीतर मस्जिद को हटाने के लिए है। याचिकाओं में दावा किया गया है कि मस्जिद को कृष्ण के जन्म स्थान पर बनाया गया। अधिकांश हिंदू समुदाय का मानना है कि भगवान कृष्ण का जन्म उसी स्थान पर हुआ था जहां मस्जिद है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।